हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फाइन ब्लॉग्स। आज का हमारा केस है कीमोसिस का, और ये जो आप स्क्रीन पर बहस देख रहे हैं इस बीमारी से ग्रसित है। कीमोसिस में क्या होता है साथियों, गाय या भैंस की दोनों आंखों से उसकी पुतली के साइड से मांस बाहर निकलने लगता है, मांस बाहर आ जाता है, और साथियों ऐसी स्थिति में पशु जो है बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, उसकी आंख में खुजली लगती है, बार बार खुजाने लगता है, और साथ ही साथ उसकी आंख से साथियों कंटिन्यू पानी निकलने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। ज्यादातर साथियों ये डिजीज जो होती है कभी कभी एक आंख में देखने को मिलती है, कभी कभी साथियों दोनों एक साथ आंखों में देखने को मिलती है। तो इस बीमारी को साथियों कीमोसिस बोलते हैं, एक कंजक्टाइवल डिजीज होती है, और ये बीमारी साथियों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है और बहुत से इसके रीजन हो सकते हैं। तो इसको हमें कैसे पहचानना है और कैसे हमें इसका ट्रीटमेंट करना है, तो यहां पर ऑनर ने साथियों इसका फर्स्ट एड भी कर लिया है, लेकिन ये मांस साथियों बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हमें उपचार करना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही मेंशन करने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिए और अंत तक देखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि पशुओं से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो साथियों कीमोसिस जो है इसकी आप पहचान कर सकते हैं, ये सर्दियों में या गर्मियों में, ये किसी भी समय हो सकती है, और जानवर की बैक्टीरियल डिजीज होती है। यहां पर आपने जो फर्स्ट एड में जो इलाज करना है, सबसे पहले एक अच्छा एंटीबायोटिक लेना है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले इसको अमोक्सिक्लोक्सी 4.5 ग्राम इसको लगवाया है, और 10 ml मैंने इसको लासिक्स लगवाया है, क्योंकि भैंस प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है। अगर भैंस प्रेग्नेंट है तो वहां पर आप लासिक्स ना लगवाएं। तो लासिक्स जो इंजेक्शन है वो साथियों एडिमा के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसकी जो आंख में जो मांस बाहर निकला हुआ है इसमें एडिमा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका मांस निकल रहा है। दूसरी चीज है साथियों, जो हमने यहां पर हिस्टामिनिक जो मेडिसिन लगाई है जो इन्फेक्शन को रोकती है, वो है सीपीएम क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट, ये 100 ml का आता है। तो यहां पर मैंने इसको 10 ml डीप इंटरमस्कुलर लगवाया। तो ये आपने इलाज जो है कंटिन्यू लगातार 2 दिन तक करना है, और ये बीमारी ज्यादातर आपको पहले दिन से ही फायदा देखने को मिलेगा, और ये 2 से 3 दिन के अंतराल में धीरे धीरे अपने जगह पर कंजक्टाइवल जो डिजीज होती है ये बैठने लगती है। तो घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक होने वाली बीमारी होती है, और जल्द से जल्द साथियों ठीक हो जाती है। अब यहां पर आंख में गिरने के लिए जो ऑइंटमेंट आपने लेना है, तो ऑइंटमेंट आता है साथियों ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो आई ड्रॉप के लिए बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है। अगर किसी पशु की आंख में चोट लग जाए या आंख में साथियों इस तरह का एडिमा हो जाता है, तो वहां पर आपने आंख की साफ सफाई करके लगातार कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक पशु की आंख में गिरना है। इससे क्या होगा, जानवर का जितना भी इन्फेक्शन होगा, जितने बैक्टीरियल डिजीज की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, वो सब खत्म हो जाएगा और मांस अपने अंदर अपनी जगह बैठने लगेगा, क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और आई ड्रॉप में बहुत ही इसका शानदार रिजल्ट है। अगर इन दवाओं से भी नहीं बैठ रही है, तो तब साथियों आपने क्या काम करना है, जो आंख का जो मांस निकला हुआ है, जो कंजक्टाइवल डिजीज है, तो वहां पर आपने इसको कंजक्टाइवल डिजीज में इंजेक्शन एंटर करना है। जो कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड होते हैं, प्रेडनिसोलोन आप लगा सकते हैं, प्रेडनिसोलोन इसमें साथियों बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट है, और 1 ml साथियों कंजक्टाइवल डिजीज में आप इसको लगा सकते हैं, इससे पशु जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है। या इसके जो कंजक्टाइवल डिजीज होती है, इसके एडिमा को आप सुई के माध्यम से इसके पानी को निकाल दें, साफ सफाई कर दें, तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहां पर अगर आप इस तरह से इलाज करेंगे तो आपकी जो भैंस की आंख का जो मांस निकल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और पशु के तुरंत साथियों आपने पेट के कीड़ों की दवा दे देनी है। पेट के कीड़ों की दवा साथियों प्रेगनेंसी सेफ भी आती है और नॉन प्रेगनेंसी भी आती है। तो वहां पर एंटीफ्लूक डीएस आता है, एक्सीफ्लूक डीएस आता है, या साथियों फेस्टमेंट डीएस आता है, ये सब प्रेगनेंसी सेफ है। अगर 7 से 8 महीने की भैंस प्रेग्नेंट है तो वहां पर आप फेनबेंडाजोल 3 ग्राम में आप बोलस ले सकते हैं, वो प्रेग्नेंसी भी सेफ होता है। लेकिन ये जो 3 से 4 महीने या 5 महीने की भैंस है, वहां पर एंटीफ्लूक या एक्सीफ्लूक या फेस्टमेंडियस वो दे सकते हैं। अगर ओवर प्रेग्नेंट है तो वहां पर आपने सिर्फ फेनबेंडाजोल 3 ग्राम में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें।